For the last 17 days, farmers have been on a dharna on the railway track on the Punjab side, demanding the release of the jailed farmers, impacting on the people of every class as well as the railways, suffering loss in terms of crores. Passengers too have to wait for several hours for the trains. Giving more information, Ritika Vashisht, Senior Divisional Commercial Manager, Ambala Railway Division, said that till date 2,396 trains have been affected, out of which 1,084 trains have been cancelled and 214 trains will start in the short term, while 1,098 trains have been diverted from other routes. सत्रह अप्रैल से तीन मई तक शंभू में चल रहे किसान एजिटेशन के चलते अंबाला डिवीज़न की 1,084 ट्रेन्स कैंसल्ड हैं, 109 ट्रेन्स शॉर्ट टर्मिनेटेड हैं, 105 ट्रेन्स शॉर्ट ओरिजिनेटेड हैं, 1,098 ट्रेन्स अपने डाइवर्टेड रूट पे चलाई जा रही हैं. इस तरीके से टोटल 2,396 कोचिंग ट्रेन्स अफेक्टेड हैं. Meanwhile, the impact of the protest is on the general public, and if the public is to be believed, they say that they are not getting trains for many hours, and if those people travel in the bus, then also they have to wait long for that too, due to which he is not able to reach his destination on time. People have also appealed to the government that it should be resolved as soon as possible. मेरा नाम अमित है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ. मैंने गोरखपुर जाना है जी. मैं कल तीन बजे से आ रखा हूँ यहाँ पे इसी टाइम. क्या कुछ बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे जी. हर मतलब आधे घंटे तक वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आधा मतलब दो घंटे तीन घंटे का डिस्टेंस दिखा दे रहे हैं कि लेट है, और ऐसे करते करते अब तक मेरे को 24 घंटे हो गए. क्या कुछ कहेंगे प्रशासन के बारे में? क्या प्रशासन के क्या कहेंगे? उनके पास पूछने पे तो कहते वो भी हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, वेट कर लेते हैं. क्या वजह बताई क्यों लेट है? क्या वजह तो नहीं बता रहे सर, और जहाँ ज़्यादा पूछने पे कुछ नहीं बोल रहे, चुप हो जा रहे. पटरियों पर किसान बैठे हैं मांगों को लेकर, और क्या कहेंगे किसानों के लिए और सरकार के लिए? तो उसके बारे में तो ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, पर जो है वो तो उनको ही पता होगा. सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और मुझे यूपी जाना है. मेरी दो घंटा 42 मिनट गाड़ी लेट है, दिखा रहे हैं अभी. अब आगे पता नहीं कितना लेट होगी या नहीं. क्या कहना चाहोगे? लेट हो रही है ट्रेनें? ये गवर्नमेंट के ऊपर है, हमारे ऊपर तो कुछ नहीं है. किसान बैठे हैं पटरियों पर धरना लेकर. वो भी बैठे हैं धरना लेके, उनकी भी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी सुनी नहीं रहा कोई. उनकी मजबूरी सुननी चाहिए, तभी तो आगे ट्रेन आएगी. और परसों 1 तारीख को 11 घंटा लेट ट्रेन, हम लोग वापस गए हैं. क्या अपील करना चाहोगे सर? अब सरकार से अपील कर रहे हो कि हम लोग को टाइम दो, जो कि गरीब जनता अपने टाइम से घर पहुंचे, क्योंकि घर में इस टाइम शादी ब्याह चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं इस टाइम घर का, तो सब लेट हो रहे हैं, सबके लिए दिक्कतें खड़ी हो रही हैं.